पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, रुपौली चुनाव की बात करें तो सबसे पहले अगर किसी की याद आती है तो वो बीमा भारती की याद आती है, क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव में ना ही पूर्णिया से वो अपनी जमानत बचा पाई और रुपौली से ना ही अपनी कुर्सी बचा पाई, रुपौली से उन्हें करारी हार मिली। लेकिन एनडीए की भी कम किरकिरी नहीं हुई, जदयू के कलाधर मंडल भी वहां पर बुरी तरीके से हार गए। हालांकि 8,000 वोटों का अंतर था, बुरी तरीके से नहीं, लेकिन वो वहां पर हार गए। और निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह, जिनका राजनीतिक से पहले अभी फिलहाल कोई जीत उन्होंने हासिल नहीं की थी, पहले की जीत थी, उनसे वो हार गए और शंकर सिंह जीत गए। तो अब सी चर्चाएं आ रही हैं, खबरें निकल कर आ रही है कि शंकर सिंह जो है जदयू को समर्थन दे दिया। हमारे सहयोगी ने भी एक खबर की कि जो अब शंकर सिंह है वो जदयू को समर्थन देने वाले हैं। तो अब जो वहां के स्थानीय रिपोर्टर बोलता, भारत के रिपोर्टर, उन्होंने बात की, आशीष कुमार ने उनसे बात की शंकर सिंह से, तो शंकर सिंह ने खुद ही सारी बातें क्लियर कर दी। ऐसी बातें आई थी कि विधानसभा के कल सत्र में वो पहुंचेंगे और जदयू खेमे में जाके बैठेंगे, कि जदयू वाले खेमे में बैठेंगे, निर्दलीय खेमे में नहीं बैठेंगे। तो अब जो वहां रिपोर्टर है बोलता, भारत के आशीष कुमार, उन्होंने से बात की और सारी कंफ्यूजन दूर हो गई। आप खुद चल के उस शंकर सिंह की बातों को सुनिए और क्या कुछ शंकर सिंह कह रहे हैं वो सुनिए। पहले खबरें चल रही है कि कल समर्थन करने वाले हैं आप। मैंने समर्थन, वो मुख्यमंत्री है, सबका मुख्यमंत्री है, पक्ष विपक्ष सबका है। उसे तो जो विकास हम लोग जो वादा किए हैं जनता से, तो हमको पूरा करना है। मुस्लिम वोटरों पर बड़ा भरोसा था और मुस्लिम वोटरों को भी आप पर बड़ा भरोसा था, और मुस्लिम तो हाँ भरोसा टूटेगा नहीं भाजपा जाते और भाजपा के साथ तो जेडीयू है, तो उस कंडीशन में फिर क्या होगा? ये मेरा बात, मुस्लिम का भरोसा है तो उसका भरोसा हम टूटने नहीं देंगे। हाँ हाँ, हमको हर जाति का समर्थन मिला है। हम ज्यादा मुस्लिम पर भरोसा था ना, क्योंकि लास्ट में जब नेताजी जी का रैली था तो दो घंटा 45 मिनट बारे में बोला। हम लोग जाति का नहीं, जमात का राजनीति करते हैं, हर जाति धर्म को लेके चलते हैं, और सिर्फ मानव जाति है, जात में हम सिर्फ मानव जाति मानते हैं, सब इंसान है। या कहीं ये तो डर नहीं है कि निर्दलीय रहेंगे तो काम नहीं ज्यादा हो पाएगा, किसी ने किसी को सपोर्ट नहीं ना, अरे भाई होगा, निर्दलीय का बात नहीं, हम किसी दल में जा नहीं रहे हैं। हम हाँ, निर्दलीय जा भी नहीं सकता किसी दल में। हाँ, निर्दलीय किसी दल ज्वाइन भी नहीं कर सकता। अरे वो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, हमारा जो डेवलपमेंट का काम होगा, जो वादा किया जनता से वो पूरा करेंगे। अगर वो कंडीशन रख दिए कि सारा काम करवा देंगे, समर्थन करिए, हमारे में आ जाइए, तो अरे वो तो सरकार बहुमत में है, सरकार तो बहुमत में है ही है, तो उसको हम समर्थन क्या करेंगे, वो अपने खुद भोजपा से तो पुराना रिश्ता रहा ही है ना आपका, तो कोई रिश्ता रहे, हम जनता भगवान आशीर्वाद दिया है, उसके होगा वो सर्वोपरि रहेगा। मतलब जो भी चैनल में चल रहा है सब अफवाह है। हाँ, अफवाह है। चलिए, मुख्यमंत्री है, वो मुख्यमंत्री मिलेंगे, जो क्षेत्र का समस्या है हम रखेंगे, पूरा करेंगे। कल पहला दिन रहेगा बिहार विधानसभा में आपका, कितना उत्साहित हैं? आवाज कट गई आपका, बोल रहे हैं कल पहला दिन रहेगा बिहार विधानसभा में, उत्साहित कितना है कि नर्वस हो रहे हैं? नहीं, उत्साहित नर्वस का है, जनता भगवान का आशीर्वाद मिला तो उत्साहित ही रहेंगे। हाँ, उत्साहित है पूरा जनता। हाँ, पूरा एकदम उत्साहित है, जनता भगवान के लिए काम करेंगे, विकास होगा। हाँ, क्या शपथ ग्रहण के साथ साथ ही तेवर दिखेगा, मतलब रुपौली को लेकर जो मन में है उसी समय, जैसे पप्पू यादव किए थे? कल तो इंतजार करेंगे अपना। नहीं, कल तो शपथ ग्रहण लेंगे। हाँ, शपथ ग्रहण के बाद फिर सत्र चालू होगा, उसमें हम उठाएंगे आवाज। हाँ, जो हमारा मांग है, जो जनता भगवान कहते हैं आप, और जिस जनता भगवान के बदौलत वहाँ पहुँचे हैं, उस भगवान के लिए वहाँ सवाल उठाइएगा। हाँ, उस पहला तो वही मेरा रहेगा, जो क्षेत्र का समस्या, जो जनता भगवान का विकास का काम में कमी है, वो पूरा करेंगे। सबसे पहला मुद्दा क्या उठाइएगा, लोग जानना ये भी चाहिए, सबसे पहला मुद्दा शंकर सिंह क्या उठाते हैं बिहार विधानसभा में? सबसे पहला मुद्दा रहेगा शिक्षा के क्षेत्र में डिग्री कॉलेज। हाँ, और रुपौली से दक्षिणी
भाग में 10 पंचायत में बाढ़ प्रभावित रहता है रिंग बांध के लिए। सबसे ज्यादा समस्या है आपको बिजली, शिक्षा रहेगा, स्वास्थ्य रहेगा। अच्छा एक चीज लास्ट ये बता दीजिए, जब भी चाहे किसी भी गठबंधन में आप जाएंगे या किसी ने किसी को समर्थन करेंगे तो उसमें किनको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, मुस्लिम कौम को या आप जिस जाति समाज से आते हैं उनको? ना ना किसी, हम हर जाति धर्म को मदद करेंगे। आप लोग आराम से पढ़े ना, फिलहाल जेडीयू एनडीएम जाने का कोई सवाल पैदा नहीं हो रहा है। तो खुद सुना आपने कि क्या कुछ शंकर सिंह कह रहे थे। लेकिन अब एक और बता दें कि हम ये जो रिपोर्टर हैं, बोलता भारत के रिपोर्टर, उनकी पत्नी से भी बात की प्रतिमा से। हालांकि चूंकि वो राजनीतिक दौर पे काफी एक्टिव रहती हैं और इसके साथ ही पूरे चुनाव भर वो शंकर सिंह के साथ मौजूद थी, उनके काम से लेकर जो भी, जिस दिन चुनाव था और जिस दिन मतदान का दिन था पूरे समय उनकी पत्नी मौजूद थी उनके साथ। तो इसके बाद भी जो रिपोर्टर हैं उनसे भी बात की और उन्होंने भी सब कुछ क्लियर कर दिया। उनकी भी बातें आप खुद सुनिए पहले। किनको समर्थन? नहीं नहीं, अभी हम लोग कहीं समर्थन नहीं दिए हैं। हम लोग जनता भगवान के मत से जीते हैं, उनका जो निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा। बाकी जो जनता भगवान को जो हम वादा किए हैं, रोड है, सड़क है, बिजली है, पुल है, डिग्री कॉलेज है, हर तरह का रिंग बांध है, सब मतलब काम को करना है, उन्हीं के साथ बैठेंगे क्या? हाँ नहीं, हम इस सब के लिए हर विभाग के मंत्री से, हाँ हम हर विभाग के मंत्री से मिलेंगे शपथ के बाद। उसके बाद सबसे यही कहेंगे कि हम लोग को सहयोग कीजिए, मतलब सरकार के लोगों को पहले मनवाइएगा तब जो है समर्थन करिएगा क्या? नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं है। हम काम करेंगे, हमको काम के लिए तो सबके पास जाना है, सबके पास जाकर के जो जो विभाग के मंत्री है सबसे मिलेंगे, मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, क्योंकि बिना मिले तो कोई काम होगा नहीं। तो मिल के उनको आवेदन सौंप देंगे, भाई हमको मदद कीजिए, निर्दलीय में जनता भगवान का आशीर्वाद मिला है, हमारे क्षेत्र में जो है रुपौली में पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, आज तक कोई विकास नहीं हुआ 25 साल में, हमारा जनता का जो भी विकास है उसमें हमारा साथ दीजिए। मतलब अभी कल के डेट को लेकर कुछ भी ये नहीं है, ना समर्थन ना विरोध कहीं नहीं, 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 शपथ ग्रहण लेंगे बस। हाँ, कुछ कुछ नहीं, अभी क्यों देंगे कहीं पे समर्थन? खबरें चल रही है, पहले जनता से मिलेंगे। चल रही है कि जेडीयू को समर्थन कर चुके हैं आप? नहीं नहीं, ऐसे अभी कितना कैसे निर्णय ले लेंगे, इतना जल्दी नहीं ना। तो आपने शंकर सिंह और उनकी पत्नी दोनों की बातें पूरी तरीके से सुनी। ये जो अफवाहें हैं, ये अफवाहें चल रही हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होना है, शंकर सिंह कल विधानसभा सत्र में जाएंगे और निर्दलीय खेमे में ही बैठेंगे, ये उन्होंने साफ तौर पर क्लियर कर दिया। जब हमारे रिपोर्टर ने उनसे ये भी पूछा, बोलता भारत के जो रिपोर्टर है उन्होंने उनसे ये भी पूछा कि क्या कुछ आप अगर उन्होंने सीएम नीतीश ऐसा बोलेंगे कि आप उनके साथ आ जाइए, उसके बाद भी उन्होंने बोला कि हम जनता के मन से आए हैं तो निर्दलीय ही जो कुछ हमसे होगा हम करेंगे, उन्होंने साफ साफ क्लियर कर दिया। ये बस चर्चाएं निकल कर आ रही हैं। अब जदयू को इस बात का एहसास होने वाला है कि अंगूर खट्टे हैं। अब इस बात का एहसास जदयू को कल विधानसभा सत्र में हो जाएगा जब शंकर सिंह निर्दलीय खेमे में बैठेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का बाजार लगातार गर्म है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।